नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अयोध्या की छठा इस वक्त अनूठी है। दीपोत्सव को लेकर तैयारी भी हो चुकी है और अब इंतजार है तो सिर्फ भगवान के पावन श्री चरणों का। वैसे तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी बहुत समय से चल रही थी, शासन प्रशासन दिन रात काम में लगे हुए थे। अब जब तारीख नजदीक है तो अब अयोध्या खुश, दिए भी जलने को बेताब है। बस इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे। वैसे तो अयोध्या वासियों की रोम रोम में राम बसे हैं, लेकिन दीपावली का ये त्यौहार उनके लिए बेहद खास होता है। इस वक्त अयोध्या में ऐसा ही लगता है कि अयोध्या वासियों के साथ साथ भगवान श्री राम भी अयोध्या आने को तैयार हों, क्योंकि इस वक्त अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। हर चेहरे पर खुशी है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक राम के नाम में रमे हुए दिख रहे हैं। जिनके प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गया था, उस भगवान राम की नगरी लाखों दियों से जगमग होने वाली है। जिनके कदमों की धूल को छूकर पत्थर फिर से अपने नारी रूप में आ गया, उस राम की नगरी को 12 लाख दिए से जगमगाने की तैयारी चल रही है। जिस सरयू के किनारे भगवान राम का बचपन बीता, उसका निर्मल जल कल कल करते हुए अद्भुत अलौकिक नगरी में भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार है। जिस पवित्र भूमि पर भगवान राम का जन्म हुआ था, राम जन्मभूमि परिसर प्रभु श्री राम के चरणों को देखने के लिए बेताब है। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार बेहद खास होने वाला है। राम की पैड़ी सजाई जा रही है, संवारी जा रही है। इस बार राम की पैड़ी पर 7.5 लाख दिए एक साथ जलाने का विश्व रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश है और इसके लिए करीब 9 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख का विश्व रिकॉर्ड होगा। इसी के लिए तमाम वॉलेंटियर्स हैं, करीब 12,000 वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं और इसकी जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को दी गई है। तमाम स्वयंसेवी संगठन भी इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, जिसके जरिए ये दिए एक साथ जलाए जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर इस बार लोग चल रहे हैं। जो यहाँ के समन्वयक हैं, उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं कि 7.5 लाख दिए एक साथ जला दिए जाएँ और एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम हो। हालांकि पिछली बार भी 5.5 लाख दिए एक साथ जलाए गए थे और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन इस बार विश्व रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ये तैयारी चल रही है। ये अयोध्या है, कहा जाता है कि यहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस अयोध्या के इतिहास के सबसे बड़े महानायक, परंपरा के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, संघर्षों के सबसे बड़े महायोद्धा भगवान राम के लंका विजय के बाद भगवान राम का अयोध्या लौटने का दिन दीपावली के तौर पर मनाया जाता है। परंपराओं का वो सिलसिला आगे बढ़ाते हुए 12 लाख दीयों के साथ अयोध्या नगरी जगमगाने वाली है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तमाम घाटों पर दीये बिछाने का काम शुरू हो गया है। अयोध्या के 32 घाटों पर इस बार कुल 9.5 लाख दीये जलाए जाने हैं।
अयोध्या में होने वाले समारोह के लिए देश विदेश से राम भक्तों का इस पावन नगरी में आना शुरू हो गया है। धर्म नगरी में राम के नाम का जयकारा लग रहा है। इस वक्त पूरी अयोध्या राम के नाम से रमी हुई है। तेज धूप भी है, काफी ज्यादा भीड़ है बच्चों की, क्योंकि 12,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर राम की पैड़ी पर हैं। वैसे तो कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, चर अचर में राम है, लेकिन उस राम से इस अयोध्या का साक्षात्कार कराने वाली अयोध्या है। अयोध्या की छटा इस वक्त अद्भुत है। सभी राम भक्त उस मनोरम दृश्य की एक झलक पाने को बेताब हैं। अयोध्या को रोशन करने के लिए अयोध्या में वॉलेंटियर्स भी तैयार है। इस दीपोत्सव में 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। दीपोत्सव की पारंपरिक शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी जो राम कथा पार्क तक जाएगी। भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर 11 वाहनों पर सवार होकर शहर भ्रमण के लिए झांकियां निकाली जाएंगी। रामेश्वरम सेतु, पुष्पक विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, शबरी राम मिलाप, लंका दहन की झांकियां दीपोत्सव के दौरान निकलेंगी। अयोध्या दीपोत्सव 2021 की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। पूरी अयोध्या को जगमग और रोशन किया जा रहा है, सजाया और संवारा जा रहा है। ये राम की पैड़ी है, अद्भुत अलौकिक। ये तस्वीर जो राम की पैड़ी की आज नज़र आ रही है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये तैयारियां चल रही थी कि अयोध्या में जब दीपोत्सव हो तो ये तस्वीर ऐसी हो कि जिसे पूरी दुनिया देखे और कहे वाकई ये भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। और इसी के लिए अगर मैं ये राम की पैड़ी पर सरयू की इस जलधारा को दिखाऊं तो पहले कभी राम की पैड़ी का ये पानी दूषित गंदा हुआ करता था, लेकिन अब राम की पैड़ी पर ये बहता हुआ पानी और ये स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, ये बताने के लिए काफ़ी है कि योगी सरकार ने वाकई अयोध्या में बहुत सारा काम किया है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है राम की पैड़ी की अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर। आप देखिए, सबसे पहले ये बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है कि जो लोग यहाँ आएंगे वो उन्हें बैरिकेड से होकर गुजरना हो। दीपोत्सव में दीप जलाने के लिए 12,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। एक वॉलंटियर को 65 दिए जलाने का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही राम की पैड़ी पर लेजर शो की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। मेहमानों के बैठने के लिए मंच लगाया गया है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या की छटा बिल्कुल ही अलग होती है। सभी राम नाम की धुन में रमे होते हैं। योगी सरकार साल 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव समारोह आयोजित कर रही है। शुरुआत उद्घाटन वर्ष में 51,000 दियों से, 2019 में 4,10,000 दिए और 2020 में 6,60,000 दियों से हुई और इस साल 12,00,000 दीपकों की तस्वीर देखकर संपूर्ण संसार में राम भक्तों के चेहरे खिल उठेंगे। अयोध्या से संवाददाता अबुल बशर खान के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 12,00,000 दीयों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और वैसे सबसे ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड अयोध्या के ही नाम है, लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है और कोशिश भी की जा रही है कि इस विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ रामायण काल को प्रदर्शित किया जाए। वैसे तो अयोध्या में दिए पिछले 4 साल से चल रहे हैं, लेकिन न जाने इतिहास की कितनी घड़ियों और वर्षों के इंतजार के बाद वो घड़ी आई है जब एक तरफ भगवान राम के भव्य द्वार का निर्माण हो रहा है, वो अब इस भव्य दीपोत्सव के कारण राम के दरबार में आनंद मुस्कुराया है। ये कितना अद्भुत संयोग है,
ये कितना अद्भुत संयोग है कि जिस राम ने संसार को मर्यादा में चलना सिखाया हो, उस राम की जीवनी को हम सरयू के तट पर अपनी आंखों से देख सकेंगे। कितना मनोरम होगा वो दृश्य जब भगवान राम साक्षात लोगों के सामने होंगे। कितना अद्भुत होगा वो नजारा जब 12 लाख दियों से राम नगरी जगमगाते हुए नजर आएगी। उस सहानुभूति को अनुभव करके ही मन का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। अयोध्या का दीपोत्सव 2021 सरकार इसे यादगार बनाना चाहती है और इसी के लिए ऐतिहासिक तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल हम साकेत महाविद्यालय पर हैं जहां पर तमाम झांकियां जो निकलेंगी उनकी तैयारियां चल रही हैं। ये शोभा यात्रा की तैयारी है अयोध्या दीपोत्सव 2021 और इसके लिए तमाम रथ बनकर तैयार हैं। हर रथ पर यानी जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें रामायण काल के जितने भी प्रसंग हैं उसमें 11 प्रसंगों को दिखाया गया है। जो प्रमुख प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकलते हैं, उसके बाद जब लंका पर विजय हासिल करके जब उसके बाद वो अयोध्या वापस होते हैं और वहाँ पर उनका राज्याभिषेक होता है, उन सारे चित्रों के माध्यम से उन सारी चीज़ों को दिखाने की एक कोशिश है। और यही शोभा यात्रा ये जब निकलेगी अयोध्या की सड़कों से तो जाहिर बात है कि जो लोग इसे देखेंगे तो वाकई इस दृश्य को देखकर हर कोई इस मनमोहक दृश्य को देखकर प्रसन्न होगा। और खास चीज़ ये है कि इसको बड़ी खूबसूरती से बनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल अयोध्या में लोगों को भगवान राम की जीवन गाथा देखने को मिलेगी। जब वो लेजर शो के जरिए लोगों को श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा देखने को मिलेगी, अयोध्या नगरी में रामायण जीवंत तो उठेगी। इस अयोध्या ने भगवान राम का बचपन देखा था, उनकी करुणाई देखी थी, उनका विवाह देखा था और उनका वनवास गमन और फिर अयोध्या आगमन को भी देखा था। भगवान राम के हाथों बालिका वध और सुग्रीव का राजतिलक भी इस अयोध्या को पता है। समुद्र तल पर पुल बनाने से लेकर लंका में प्रवेश और रावण के वध का समाचार सुनकर भी अयोध्या अभिभूत हुआ था। इस अयोध्या ने अपने सपूत राम को भगवान राम बनकर लंका से लौटते और राम राज्य को साकार करते हुए भी देखा था। तब दीपों से जो उनका स्वागत हुआ था वो स्वागत फिर हजारों साल बाद होने वाला है। वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर 11 प्रसंगों को लेकर हैं। जब भगवान पैदा हुए थे, पुत्रिष्ठी यज्ञ, उसके बाद गुरुकुल शिक्षा है, उसके बाद केवट प्रसंग है, श्री राम सीता विवाह है, अहिल्या उद्धार है, सबसे लास्ट की जो हमारी जो ग्रामीण झांकी होती है वो होती है राम राज्याभिषेक, जो कि सबसे भव्य होती है, जिसमें जब आप देखते ही हैं हर साल इसमें जब कलाकार, अभी तो ये खाली आपको झांकियाँ दिख रही हैं बैठी, अभी तो मतलब इसमें 90% काम तैयार हो गया, फाइनल टचअप दिया जा रहा है, कल तक हमारी पूरी जो है झांकियाँ तैयार हो जाएंगी। निश्चित तौर पर तमाम झांकियाँ मैं देख पा रहा हूँ। ये मैं दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरों के माध्यम से कि लोग देखें और इसे समझ सकें। मनीष जी ये बताइए ये कौन सा प्रसंग है, ये झोपड़पट्टी जैसा कुछ लुक दिया गया है, ये कैसा? इसको झोपड़पट्टी जैसा लुक दिया गया, ये एक्चुअली पंचवटी है। जब सीता में जब राम वनवास गए थे तो उस समय जो है उनके रहने के लिए जो कुटी बनाई गई थी वो पंचवटी है। जहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे देखिए जो है हिरण है, जंगल का एक रूप दिया गया है, ये वनवास के समय का है। राम की पैड़ी इस बार 12 लाख दियों से जगमगा उठेगी। वहीं इस बार भी लेजर शो के जरिए राम कथा को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। दीपोत्सव से पहले ही अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है। अयोध्या में राम के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाए जाने हैं। तो आप कल्पना कीजिए उस अयोध्या की जहां 12 लाख दिए एक साथ जल उठेंगे। और भगवान श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा है कि दिए जलाने हैं, भगवान श्री राम के लिए जलाने हैं, राजा राम की नगरी में जलाने हैं और इसी के लिए ये छात्र लगे हुए हैं। क्या ये छात्र हैं और ये तमाम जो वॉलेंटियर्स हैं ये यहाँ पर लगे हुए हैं। अवध विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई है। लंका विजय के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी कुछ ऐसी ही रही होगी। रावण की आसुरी शक्ति का सर्वनाश करके भगवान राम विजय पताका फहराते हुए लौटे होंगे तो ऐसा ही शुभ मुहूर्त रहा होगा। ऐसी अयोध्या खिल उठी होगी
अयोध्या में इस वक्त ऐसा नजारा है कि मानो हर दीप में आस्था और खुशियां मुस्कुरा रही हैं। अयोध्या से संवाददाता अबुल बसर खान के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वैसे तो राम और अयोध्या एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन इस दीपोत्सव के दौरान दोनों के बीच मिलाप भारत मिलाप से कम नहीं होता है, क्योंकि इस वक्त हर दिल में सिर्फ एक ही नाम है और वो है भगवान श्री राम का। भगवान राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में 12 लाख दीपों को जलाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम 2021 के आयोजन की शुरुआत सोमवार से हो गई है। प्रदेश के हर गांव से आने वाले 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। राज्य के 90,000 से अधिक गांव में से प्रत्येक से 5 मिट्टी के दिए समय पर अयोध्या पहुंच चुके हैं। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या नगरी में 3 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। अयोध्या का 5वां दीपोत्सव बेहद खास हो रहा है, क्योंकि इस बार करीब 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं, जिसमें से 7.5 लाख दिए का एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना है। सबसे पहले मैं आपको राम की पैड़ी की तस्वीर दिखाऊं। राम की पैड़ी आज दुल्हन की तरह दिख रही है, रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है पूरा। राम की पैड़ी का ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं और यहाँ लेजर शो सबसे आकर्षण का केंद्र है और तमाम लोग यहाँ हैं। वो लोग हैं जो यहाँ इस नज़ारे को देखना चाहते हैं, वो लोग हैं जो यहाँ वॉलेंटियर्स हैं। करीब 12,000 वॉलेंटियर्स यहाँ लगाए गए हैं और इन्हीं लोगों की ये मेहनत है जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे दीप लगे हैं और जिन्हें कल जलाया जाएगा। क्या कहेंगे कितनी मेहनत लगी? और दूसरी चीज़, कैसा लगता है जब अयोध्या में आप लोग इस तरीके के कार्यक्रम में जब हिस्सा लेते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान राम के लिए सब करते हैं, उन्हीं के लिए तो सब होता है और सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल से करते हैं भगवान के लिए, जिससे अयोध्या खिल जाए और सब दूर दूर से आते हैं दीपोत्सव में देखने। अयोध्या इस वक्त अलग ही रंग में है, हर चेहरे पर खुशी की लहर है। खुशी उस दृश्य को अपने आंखों में उतारने की जो हजारों साल पहले अयोध्या वासियों ने देखा होगा। खुशी सरयू किनारे उस मनोरम दृश्य को देखने की जब उस कल कल करती धाराओं के बीच भगवान श्री राम के चित्र को उकेरा जाएगा। ये जो 7.5 लाख दिए एक साथ जलाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आप लोगों ने 9 लाख दिए सजा दिए हैं, क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे, अपना ही रिकॉर्ड जो पिछले साल 5,51,000 का था? हाँ जरूर, हम लोग इस बार जरूर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम लोग का पूरा प्रयास, हम लोग की पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है कि हम लोग और ज्यादा आकर्षित करें और लोगों को करें, और इनफैक्ट यहाँ पे लोग यही चाहते हैं कि हर साल नए नए रिकॉर्ड्स बने जिससे और लोग यहाँ पे आए, ये और बढ़े। एक चीज और, अयोध्या में कभी इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होता था, दीपावली भी बड़ी सुनी रहती थी, जब से योगी सरकार आई ये 5वां दीपोत्सव है, कैसा लगता है कुछ बदलाव अयोध्या में दिखाई दिया? बिल्कुल, हमारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है दीप महोत्सव के लिए और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। हम पूरा अपनी लगन से पूरा दिया जलाएं, 5 लाख का रिकॉर्ड हमने 9 लाख में बना दिया है। अयोध्या के घाट पर हेरिटेज और रामायण का लेजर शो इस साल अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह के 5वें संस्करण का मुख्य आकर्षण केंद्र बना रहेगा। हर घाट को एक राष्ट्रीय स्थल में बदल दिया गया है। सबसे पहले अद्भुत बात यह है कि अयोध्या वासी इस दृश्य को ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं, वो दिन रात एक कर दीपोत्सव को मनोरम बनाने में लगे हुए हैं। आप
इन दियों को देख रहे हैं, ये दिए सजा कर रख दिए गए हैं, काउंट करके रख दिए गए हैं। वॉलेंटियर्स जो 12,000 वॉलेंटियर्स थे, उनकी मेहनत सामने है। आप इन तस्वीरों को देखिए, जिससे आपको यकीन हो चलेगा कि कितनी मेहनत की गई है इन दियों को सजाने में। और ये सारे दिए एक साथ लगाए गए हैं, सजाए गए हैं। अब इनमें इन दियों में बाती और तेल डाला जाएगा और कल इन दियों को जलाया जाएगा। हालांकि अयोध्या आज से ही रोशन हो गई है, जगमग हो गई है, लेकिन जब इन दियों को जलाया जाएगा तो वाकई वो अद्भुत नजारा होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। जितना अयोध्या वासियों को राम का इंतजार है, उतना ही राम को अयोध्या का, क्योंकि कहते हैं कि राम और अयोध्या एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जितना अयोध्या की पहचान राम से है, उतना ही राम की पहचान अयोध्या से है। भले ही हमारे लिए राम भगवान राम है, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए भगवान श्री राम को अपना सदस्य मानते हैं, इसलिए वो अपने परिवार के सदस्य का स्वागत के लिए तैयार है। अयोध्या से संवाददाता अबुल बसर खान के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो अद्भुत और अलौकिक किस तरह से अयोध्या में दीपावली इस बार मनाई जाएगी, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से यहाँ पर चल रही हैं। तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर दियों का जो रिकॉर्ड, यहाँ पर अपना ही रिकॉर्ड जो अयोध्या का है यहाँ पर, वो तोड़ने की यहाँ पर कोशिश इस बार होगी। और करीब 12,00,000 दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे और विश्व रिकॉर्ड को यहाँ पर बनाया जाएगा। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। See you.